बिहार की चुनावी सभा में देश के रक्षा मंत्री के तेवर पाकिस्तान पीएम इमरान खान को लेकर काफी सख्त दिखे। चुनावी रैली में उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए पूरे गिलगित और बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बताया। उन्होंने जनसभा में आई भीड़ देखकर ये भी कहा कि अब ये विश्वास पक्का हो गया है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस आरजेडी के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं होगा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान के देहांत पर सवाल उठाए हैं। मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने इस मसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। इस मांग पर चिराग पासवान ने कहा कि जीतन राम मांझी ने उस वक्त इतनी चिंता क्यों नहीं दिखाई जब रामविलास पासवान अस्पताल में भर्ती थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर तंज कसा। उन्होंने राजनीतिक परिवार से आने वाले दोनों नेताओं पर उनकी विरासत को लेकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने एक ट्वीट कर लिखा कि जिन्हें सब कुछ विरासत में हासिल हुआ उन्हें कर्मवीरों के तप के बारे में क्या पता। हमने तो अपना सर्वस्व बिहार की इस पावन धरती के लिए समर्पित कर दिया है। सेवा करना ही मेरा धर्म है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार एक बार फिर निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि देश के किसानों ने मांगी मंडी, पीएम ने थमा दी भयानक मंदी। इसके साथ उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार की खबर को भी ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि बिहार के किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और पंजाब के किसानों की तरह मंडी की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा नहीं छीनेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कमलनाथ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कमलनाथ को स्टार कैंपेनर की सूची से बाहर निकाल दिया गया था। कांग्रेस के स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द होने के बाद कमलनाथ ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पंजाब नेशनल बैंक के अरबों डॉलर के घोटाले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के बारे में 6 सप्ताह के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सर्वोच्च अदालत ने इस बारे में केंद्र से विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत जनवरी के पहले हफ्ते में आगे फिर सुनवाई करेगी। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय हरकत में आ गया है। सोमवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक नियमित प्रक्रिया के हिस्से के रूप में दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। दिल्ली में बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रशासन जाँच, संपर्क ट्रेसिंग और उपचार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में हुई हत्याओं को सही ठहराने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा का बयान आया है। मुनव्वर राणा ने कहा है कि अपनी बात पर कायम रहूंगा, मुझे फ्रांस की घटनाओं पर सच बोलने की जो सजा मिले वो मंजूर है। मुनव्वर राणा ने कहा कि मैं उन लोगों की तरह नहीं जो मुकदमे वापस करवाते फिरते हैं और सच बोलने से डरते हैं। अगर मेरी बात पर कोई गुनाह सिद्ध हुआ तो चौराहे पर खड़े कर शूट कर दो। अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगूंगा, चाहे तो फांसी हो जाए। मई में पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद भारत का चीन के साथ तनाव जारी है। इस बीच चीन सीमा के नजदीक सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन का निर्माण शुरू करने जा रहा है। ये रेलवे लाइन दक्षिण पश्चिम के प्रांत सिचुआन के यान से शुरू होकर तिब्बत के लिंझी तक जाएगी। इस रेलवे लाइन के बनने से चीन की पहुंच अरुणाचल प्रदेश के लगभग बॉर्डर तक हो जाएगी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े टेंडर प्रक्रिया की पूरी होने की घोषणा की है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान के साथ हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बाजार गिरावट के दौर में चला गया। दिन भर काफी उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुआ। सोमवार को सेंसेक्स 143 अंक ऊपर 39,757 पर और निफ्टी 27 अंक ऊपर 11,659 पर बंद हुआ। सोमवार को बाजार की बढ़त को बैंकिंग शेयरों ने लीड किया।